नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। तो वीकली करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। तो इस सीरीज की सबसे पहली वीडियो ये है। इस वीडियो में हम 21 जून से लेकर 27 जून से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चंस है, क्वेश्चन आंसर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपको लोगों को पता ही होगा कि करंट अफेयर्स हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कितना ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस एग्जाम हो जैसे बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, सब एग्जाम्स में चाहे डिफेंस हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, एफकैट हो, यूजीसी का एग्जाम दे रहे हो या सीएसआईआर का एग्जाम दे रहे हो, उसमें करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस हमेशा से ही होता है। तो इस वीडियो में हम वीकली 21 जून से लेकर 27 जून के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द जेंडर गैप रिपोर्ट 2023? तो ये बहुत स्टैटिक क्वेश्चन में से आ जाता है कि कौन जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 पब्लिश किया। तो ये बहुत रिसेंट का न्यूज है। वर्ल्ड बैंक, नीति आयोग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या एडीबी? एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। बहुत बार क्वेश्चन में क्या होता है, WEF दे दिया रहेगा, तो आपको समझना होगा कि दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 वाज रिलीज्ड रिसेंटली बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया स्टूड एट 127th पोजीशन। तो इंडिया के इसमें रैंक क्या है, 127th। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ये भी याद रखना होगा। आउट ऑफ 146 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ जेंडर पैरिटी द कंट्री हैज इंप्रूव्ड 1.4 परसेंटेज पॉइंट्स फ्रॉम 2022 फिगर्स। तो पिछले साल 2022 के रेस्पेक्ट में इस साल 1.4 परसेंटेज की इम्प्रूवमेंट हुई है और इस साल इंडिया की जो पोजीशन है वो 127th पोजीशन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। गोवा डिक्लेरेशन विच वाज सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच फील्ड? ठीक है, गोवा डिक्लेरेशन, एनवायरमेंट, टूरिज्म, फाइनेंस, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टूरिज्म। तो ये G20 समिट से रिलेटेड है। आपको पता है कि इंडिया प्रेसिडेंट है G20 का इस साल 2023 में, और बहुत सारे मीटिंग्स G20 के कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो उसमें से एक मीटिंग जो गोवा में हुई थी फॉर टूरिज्म पर्सपेक्टिव से, गोवा डिक्लेरेशन हैज बीन अडॉप्टेड अनएनिमसली बाय द एट द G20 टूरिज्म मिनिस्टेरियल मीट। दिस मार्क द सक्सेस ऑफ द फोर्थ टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे टूरिज्म मीटिंग हुई है, जैसे जम्मू कश्मीर श्रीनगर में भी हुआ है टूरिज्म मीटिंग, उसी तरह से गोवा में भी G20 की मीटिंग हुई है। ओवर 130 डेलीगेट्स फ्रॉम G20 कंट्रीज एंड द गेस्ट कंट्रीज अटेंडेड द G20 टूरिज्म मिनिस्टरियल मीट एट गोवा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी इम्प्लीमेंट्स द आबदा स्कीम? अब आबदा स्कीम क्या है और इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ओडिशा। ठीक है, ओडिशा कैबिनेट लेड बाय द चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैज गिवन अप्रूवल फॉर एन इंक्रीज्ड बजट ऑफ 4,224.22 करोड़ फॉर आपदा स्कीम। आपदा स्टैंड्स फ्रॉम एग्यूमेंटेशन, बेसिक एमिनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर। तो जिस तरह से अलग अलग स्टेट्स में, जैसे कि उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर या एमपी में महाकाल कॉरिडोर, उसी तरह से ओडिशा में भी पुरी जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशंस है इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। तो द स्कीम एम्स, तो इस स्कीम में क्या कहा गया है, द आपदा स्कीम में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आपदा स्टैंड्स फॉर क्या, एग्यूमेंटेशन, बेसिक एमिनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर। दिस स्कीम्स एम्स टू ट्रांसफॉर्म पुरी, जगन्नाथ पुरी, इंटू अ वर्ल्ड क्लास हेरिटेज सिटी, फोकसिंग ऑन प्रिजर्विंग एंड रिजुविनेटिंग इट्स कल्चरल एंड आर्किटेक्चरल हेरिटेज। तो इस कॉरिडोर को भी डेवलप किया जा रहा है ताकि मोर नंबर ऑफ टूरिस्ट आए इंटरनेशनली और नेशनली भी, और टूरिज्म और ज़्यादा प्रमोट हो सके। तो इसी तरह से हर स्टेट में कुछ ना कुछ ऐसे
प्रमोट हो रही है। तो ये आपदा स्कीम कौन से स्टेट की है? तो उड़ीसा की है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। द लाइफ स्टॉक एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स बिल 2023 कैटेगराइजेस लाइफ स्टॉक्स एज विच एंटिटी? लाइफ, कॉमोडिटी, प्रोडक्ट, एसेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉमोडिटी। द लाइफ स्टॉक एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट इम्पोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन बिल 2023 हैज बीन विड्रॉन रिसेंटली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने ये वापस ले लिया है बिल, क्योंकि इसमें बहुत सारे लूप होल्स थे। ठीक है। द प्रपोज बिल सिक्स टू एस्टेब्लिश रेगुलेशंस रिगार्डिंग द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ एनिमल्स इन कंपासिंग डोमेस्टिक पेट्स। इसमें डोमेस्टिक पेट्स भी इंक्लूड थे, जैसे डॉग्स हो गया, कैट हो गया, और भी जो डोमेस्टिक पेट्स होते हैं। एडिशनली इट सजेस्ट कैटेगराइजिंग लाइफ स्टॉक एज ए ट्रेडेबल कमोडिटी। तो इसमें बहुत सारे इस जो ये एक्ट था, बिल था, लाइफ स्टॉक एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट बिल 2023, इसको गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी इज सेट टू इंप्लीमेंट द नॉन कंफर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट? दिल्ली, आसाम, तेलंगाना, सिक्किम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। द दिल्ली गवर्नमेंट, दैट इज द केजरीवाल गवर्नमेंट, इज सेट टू इंप्लीमेंट द नॉन कंफर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसमें क्या कहा गया है कि इट विल ट्रांसफॉर्म ऑल 26 नॉन कंफर्मिंग इंडस्ट्रियल एरियाज इनटू रिकॉग्नाइज्ड कंफर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया। तो जितने भी नॉन कंफर्मिंग इंडस्ट्रियल एरियाज प्रेजेंट है इन दिल्ली, उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो कितने हैं ऐसे? तो दिल्ली में ऐसे 26 है। आपको कुछ कुछ पता होगा, जैसे ओखला इंडस्ट्रियल एरिया है, उसी तरह से दिल्ली में बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया है। तो उनको सब कुछ रिकॉग्नाइज किया जाएगा। द गवर्नमेंट वुड बियर, और इस प्रोसेस में द गवर्नमेंट वुड बियर, दिल्ली गवर्नमेंट जो है, 90% ऑफ द कॉस्ट टू कन्वर्ट ऑल 26 नॉन कन्फॉर्मिंग इंडस्ट्रियल एरियाज इन द सिटी इन टू कन्फॉर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया। तो 90% खर्चा जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट उठाएगी, और जो 10% होगा ऑफ द कॉस्ट विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय द इंडस्ट्रीज देमसेल्स। बाकी सब 10% जो है वो अपना अपना इंडस्ट्री खुद कंट्रीब्यूट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द चाइल्ड हेल्पलाइन 109 है। तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1098 इज सेट टू बी कंसोलिडेटेड विथ विच हेल्पलाइन? तो किस नंबर के साथ उसको मिला दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 112। 112 किसके लिए? विमेन्स हेल्पलाइन नंबर है। तो आपको ये सब नंबर पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नंबर से बहुत ज़्यादा यूज आता है पुलिस के लिए, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, विमेन हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन, ओल्ड एज पीपल के लिए। तो ये सब हेल्पलाइन नंबर एज एक जागरूक इंसान हम लोग को पता होना बहुत ज़रूरी है। एक्सप्लेनेशन क्या है? द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो एक ही है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो अलग अलग हेल्पलाइन नंबर हुआ करता था। अब क्या हो गया कि दोनों ही एक ही नंबर, अगर 112 पे कॉल करेंगे तो दोनों ही प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे, वेमेन्स का भी और चिल्ड्रंस का भी। अनाउंस टू कंसोलिडेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 ऑपरेटेड बाय द चाइल्ड विद द वेमेन्स हेल्पलाइन एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, दैट इज 112, एज अ पार्ट ऑफ वन नेशन एंड वन हेल्पलाइन इनिशिएटिव। तो ये किसके तहत किया जा रहा है? तो वन नेशन वन हेल्पलाइन इनिशिएटिव के तहत किया जा रहा है। तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, पुदुचेरी, गोवा, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, मिजोरम, गुजरात, बिहार आर सेट टू लॉन्च द इंटीग्रेटेड चाइल्ड हेल्पलाइन सर्विस बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। जून के एंड में ये लागू हो जाएगा। ठीक है। और बाकी जितने भी स्टेट्स यूनियन टेरिटरी वो भी धीरे धीरे लागू करेंगे। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। विच कंट्री साइन पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद द UNWTO फॉर प्रोमोटिंग टूरिज्म? श्रीलंका, म्यांमार, लाओस, इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। तो रिसेंटली G20 मीटिंग हुई थी इंडिया में और अलग अलग सिटीज में हुई है। ठीक है। तो इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। UNWTO किसके लिए क्या स्टैंड करता है? तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन have entered into a partnership agreement to strengthen collaboration and identify common area of interest. It was signed in the backdrop of G20 tourism minister meeting at Goa. ठीक है। The MOU
एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विल सी बोथ पार्टीज कोलैबोरेट ऑन की एरियाज, जैसे कि रिलेटेड टू टूरिज्म, मार्केट इंटेलिजेंस, टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, टूरिज्म इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन एंड इनोवेशन। इन सब बिंदुओं पर चर्चा की गई है बिटवीन, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है बिटवीन द UNWTO एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो इस बार हर एग्जाम में G20 से रेस्पेक्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि इंडिया इस बार प्रेसिडेंट है G20 का, साथ ही साथ में SCO समिट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, हॉट टॉपिक्स रहने वाली हर एग्जाम्स के लिए। तो ये सब जितने भी मीटिंग्स होंगे इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ऑपरेशन कवच हैज बीन लॉन्च टू क्रैक डाउन द मेनेंस ऑफ ड्रग इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो एक कवच जो आपने रेलवेज में सुना होगा, जो एक प्रोटेक्शन सिस्टम है एक टाइप का, वो रेलवेज के लिए था, लेकिन ऑपरेशन कवच को आप रेलवेज के साथ मत कंफ्यूज कीजिएगा। ठीक है, तो ऑपरेशन कवच हैज बीन लॉन्च टू क्रैक डाउन द मेनेंस ऑफ ड्रग्स इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, पंजाब, सिक्किम, न्यू दिल्ली, गुजरात। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है? ऑपरेशन कवच हैज बीन लॉन्च टू क्रैक डाउन द मेनेंस ऑफ ड्रग इन द नेशनल कैपिटल। अंडर दिस ऑपरेशन दिल्ली पुलिस अप्रिहेंडेड अ टोटल ऑफ 776 इंडिविजुअल इन्वॉल्व्ड इन ड्रग ऑफेंसेस। तो इंडिया, क्योंकि इंडिया ऐसी जगह पे, ऐसी इंडिया के ऐसी ज्योग्राफी है, जैसे कि गोल्डन क्रिसेंट किसे कहा जाता है, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को, तो यहाँ पर ड्रग्स की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन भी होती है और स्मगलिंग भी होती है, और साथ ही साथ में गोल्डन ट्रायंगल वो कौन सा देता है, साउथ एशियन कंट्रीज है, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। तो इंडिया क्या है, इंडिया इन तीनों के बीच में, इन दोनों के बीच में आ जाता है, इसीलिए ड्रग्स की प्रॉब्लम जो है वो इंडिया में इजीली सॉल्व नहीं हो पाती है, इसलिए इंडिया में ड्रग्स बहुत इजीली मिल भी जाते हैं। ठीक है, दीज अरेस्ट वेर मेड इन कनेक्शन विद द 615 केसेस रिलेटेड टू नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, जिसे हम लोग NDPS एक्ट भी कहते हैं। द पुलिस हैज सक्सेसफुली सीज्ड अप्रोक्सीमेटली 36 किलोग्राम ऑफ हीरोइन सो फार। ठीक है, तो एक टाइप ऑफ ड्रग है हीरोइन, कोकीन, ये सब अलग अलग वेराइटीज ऑफ ड्रग होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2023? तो कौन से इंस्टीट्यूशन रिलीज किया है, FAO, IFPRI, FSSAI, FCI? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट GFPR 2023 वाज रिलीज्ड रिसेंटली बाय द इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, कौन कौन से चैलेंजेस, द COVID-19 पैंडेमिक, द आफ्टर द COVID-19 पैंडेमिक, उसके साथ ही साथ में द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूक्रेन एंड रशिया, क्योंकि यूक्रेन और रशिया बहुत बड़ा सनफ्लावर ऑयल और साथ ही साथ में वीट का बहुत प्रोडक्शन है, ब्रेड बास्केट कहा जाता है, तो इसके कारण फूड सप्लाई बहुत ज्यादा हैम्पर हुई है, एंड द फ्रीक्वेंट ऑकरेंस ऑफ नेचुरल डिजास्टर, और बहुत ज्यादा नेचुरल डिजास्टर कहीं ना कहीं होते जा रही है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन सब का इम्पैक्ट है। तो ये तीनों इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। ठीक है, दैट हैज हाइटेंड द वल्नरेबिलिटी ऑफ द फूड सिक्योरिटी सिस्टम इन मेनली इन द साउथ एशिया, क्योंकि साउथ एशिया अभी डेवलपिंग स्टेज पे है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है और ये तीनों फैक्टर्स और ज्यादा जो प्रॉब्लम्स है उसको और एग्रेवेट कर दे रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द ओशन रिंग ऑफ योगा स्पेशल इवेंट? तो अब ओशन रिंग ऑफ योगा आप इससे समझेंगे, जैसे ऑप्शन क्या दिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। तो आपको डाउट होगा कि हाँ इसमें डिफेंस हो सकता है या एक्सटर्नल अफेयर्स या स्पोर्ट्स, आयुष तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, बी, आयुष ही होगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मतलब आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, इसका फुल फॉर्म होता है। तो मेनली आयुष ने इसे ऑर्गेनाइज किया, ओशन रिंग ऑफ योगा विद कोलैबोरेशन विद द इंडियन नेवी। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का भी
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नॉट एग्जैक्टली, बट इंडियन नेवी का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष विद कोलैबोरेशन विद द इंडियन आर्मी इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टू कमोमरेट द इंटरनेशनल योगा डे 2023, हर साल कौन से तारीख को हम लोग मनाते हैं? 21 जून। Every year we celebrate as International Day of Yoga. The Ministry of Ayush has organized a special event called the Ocean Ring of Yoga to symbolize unity and solidarity with the जितने भी Indian Ocean के आसपास जितने भी countries, the neighboring countries हैं, उनके साथ में। As a part of the initiative, Indian Navy ships stationed in the Indian Ocean region are visiting different parts, different ports of friendly foreign nations to promote the message of वासुदेव कुटुंबकम। तो वासुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है कि वी आर द होल वर्ल्ड इज अ वन फैमिली, ठीक है, यूनिवर्स एक फैमिली है, विच इज ऑल्सो द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन क्या थीम था इस बार, तो वासुदेव कुटुंबकम, और इसका मेन पर्पस क्या था और किसने इसे ऑर्गेनाइज किया था? आयुष विद द इंडियन नेवी, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। Which country announced the vacant property refurbishment grant scheme? France, Ireland, Germany, UK. तो इसका सही आंसर होगा आयरलैंड, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। आयरलैंड अनाउंस्ड, तो आयरलैंड एक अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक आइलैंड कंट्री है जो प्रेजेंट है यूके के पास में। तो आयरलैंड दो कंट्रीज है मेनली, एक सदर्न जो है वो उसको हम लोग आइलैंड कहते हैं, और जो आइलैंड के ऊपर है उसको हम लोग नॉर्दर्न आयरलैंड कहते हैं, ठीक है, वो यूके का पार्ट है नॉर्दर्न आयरलैंड, लेकिन जो आयरलैंड है वो फ्रीली एक ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट कंट्री है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अनाउंस द वैकेंट प्रॉपर्टी रिफर्बिशमेंट ग्रांट स्कीम रिसेंटली फॉर दोज हु ओन ए डिसोल्यूट हाउस इन वन ऑफ द 20, वन ऑफ इट्स 20 आइलैंड्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। तो जो उसका आइलैंड का वेस्टर्न कोस्ट है, ये जो वेस्टर्न कोस्ट है यहाँ पर बहुत सारे घर जो है, बहुत सारे आइलैंड जो है, मेनली 20 आइलैंड्स में वहां पर कोई रहता नहीं है, सुनसान पड़े घर है और टूटे फूटे घर है। तो वहां पर पॉपुलेशन को वापस लाने के लिए, वहां पर फिर से पॉपुलेशन मतलब एस्टैब्लिश करने के लिए, आम जिंदगी एस्टैब्लिश करने के लिए ये जो स्कीम है वो लॉन्च की गई है बाय द आइलैंड गवर्नमेंट। इट ऑफर्स अ मैक्सिमम ऑफ कितना, US डॉलर 92,000 टू दोज पीपल हु वॉन्ट टू डेवलप एंड रिफर्बिश वैकेंट एंड डिरेलिक्ट होम्स एंड लिव इन वन ऑफ इट्स 20 आइलैंड्स ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। ताकि क्योंकि मेन जो इनका पॉपुलेशन है वो सेंटर में आ जा रहा है और ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादातर रह रहा है, और वेस्टर्न कोस्ट में जितने भी आइलैंड्स है वहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन है, ठीक है। तो पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए, पॉपुलेशन डेंसिटी को इवनली स्प्रेड आउट करने के लिए वो ये सब कर रहे हैं, ठीक है। द स्कीम इज अ पार्ट ऑफ 10 ईयर स्ट्रेटेजी फॉर आइलैंडर्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आइलैंड। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। इंडिया गिफ्टेड इंडिजिनियसली बिल्ट इन सर्विस मिसाइल कॉर्बेट INS किरपान, बहुत इंपॉर्टेंट है, टू विच कंट्री? डिफेंस पर्सपेक्टिव, डिफेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है INS किरपान। तो किस कंट्री को इंडिया ने गिफ्ट किया? श्रीलंका, वियतनाम, म्यांमार, नेपाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम। तो वियतनाम के जो डिफेंस मिनिस्टर है वो रिसेंटली इंडिया को विजिट किए थे। तो इंडिया रिसेंटली गिफ्टेड इंडिजिनियसली बिल्ट इन सर्विस मिसाइल कॉर्बेट INS किरपान टू वियतनाम, ठीक है। और साथ ही साथ में वियतनाम मतलब इंडिया वियतनाम को इतना सपोर्ट क्यों करता है? क्योंकि वियतनाम की भी दुश्मनी है विथ चाइना, ड्यू टू द साउथ चाइना सी रीजन कन्फ्लिक्ट के कारण चाइना के साथ दुश्मनी है। तो इंडिया चाहता है कि वियतनाम को भी स्ट्रॉन्ग किया जाए, ताकि अगर कभी मुश्किल आ पड़े या फिर कभी वॉर लाइक सिचुएशन हो जाए चाइना, तो इंडिया का भी कोई पार्टनर होना चाहिए इन द साउथ चाइना सी में, जो चाइना को कंट्रोल कर सके। तो इसलिए वियतनाम को इंडिया बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है और डिफेंस पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा बूस्टअप करने की कोशिश कर रहा है। और रिसेंटली एक न्यूज़ आएगी कुछ टाइम में, जब इंडिया और वियतनाम जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो भी खरीदेगा बाय इंडिया, तो वो भी रिसेंट जो न्यूज़ है वो भी जल्दी आ जाएगी कुछ टाइम में। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अनाउंस्ड आफ्टर बायलैटरल टॉक्स विद हिज विजिटिंग वियतनामीज काउंटर पार्ट जनरल फान वैन गाम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका नाम याद रखना, बट ये याद रखना है कि INS किरपान वो दिया गया वियतनाम को,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। द मेसोलिथिक पीरियड रॉक पेंटिंग डिपिक्टिंग अ पर्सन टिलिंग अ पीस ऑफ लैंड हैज बीन फाउंड इन विच स्टेट? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। तो बहुत सारे हम लोग पीरियड्स हिस्ट्री में पढ़े होंगे जिसमें पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, चार्कोलिथिक एज, ये सब हम लोग ने पढ़ा होगा। तो जो मिडिल एज को बोलते हैं हम लोग मेसोलिथिक एज। तो अ मेसोलिथिक पीरियड रॉक पेंटिंग डिपिक्टिंग अ पर्सन टीलिंग अ पीस ऑफ लैंड, ठीक है, टीलिंग अ पीस ऑफ लैंड, हिंदी माध्यम स्टूडेंट को बता दे रहा हूँ कि ये मतलब खेत को जोतने वाली एक तस्वीर मिली है, रॉक पेंटिंग मिली है, हैज बिन फाउंड इन द ओरवाकालू विलेज इन गुंटूर, आंध्र प्रदेश में पाई गई है, वाइल्ड सर्वेइंग द लोअर रिवर कृष्णा वैली टू असर्टेन द आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द श्राइन, रिसर्चर्स आइडेंटिफाइड ए न्यू प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग ऑन द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ नेचुरल रॉक शेल्टर्स ऑन ए हिलॉक ऑफ ओरवाकालू, जो कि गुंटूर आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। TRAI, दैट इज द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन है, हैज रिसेंटली रिकमेंडेड एसेंशियल सर्विसेज स्टेटस टू विच एंटिटी? एसेंशियल सर्विस किस को मिला है? सबमरीन केबल्स, अनमैन्ड एयर व्हीकल्स, यूएवी, ब्रॉडबैंड केबल्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सबमरीन केबल्स। ठीक है, द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिकमेंडेड एडिंग अ सेक्शन इन द इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड प्रायोरिटाइज सबमरीन केबल्स एंड केबल लैंडिंग स्टेशन सिंस दे आर क्रिटिकल एसेट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबमरीन केबल्स फॉर डिफेंस परस्पेक्टिव, तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट ऑल्सो सजेस्ट दैट द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ CLS, दैट इज केबल लैंडिंग स्टेशंस एंड सबमरीन केबल्स, शुड बी अकॉर्डेड एसेंशियल सर्विस स्टेटस। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। विच इंस्टीट्यूशन नज्ड गूगल एंड एप्पल टू सिक्योर मोबाइल डिवाइसेस फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन? RBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी, NPCI, नास्कॉम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, RBI, इसका सही आंसर हो जाएगा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज प्रिपेयर 10-पॉइंट एक्शन प्लान फॉर स्ट्रेंथनिंग साइबर सिक्योरिटी इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है, RBI बहुत काम कर रहा है कि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रही है, और मोस्टली इंडिया में अब डिजिटलाइज्ड हो गया, मोस्टली डिजिटल पेमेंट हम लोग करते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी का खतरा हमेशा रहता है। तो इसके लिए गूगल एंड एप्पल से RBI ने अनुरोध किया 10-पॉइंट एक्शन प्लान। दिस इंक्लूड टॉक्स विद टेक कंपनीज लाइक गूगल, एप्पल टू सिक्योर मोबाइल सर्विसेज एंड एडॉप्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एंड साइबर सिक्योरिटी डिजाइन। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एक्स खान क्वेस्ट 2023 मल्टीलैटरल पीस कीपिंग ज्वाइंट एक्सरसाइज? तो कौन होस्ट था एक्स एक्सरसाइज, एक्स मीन्स एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। ठीक है, तो खान आपको चंगेज खान से याद रखना होगा। ठीक है, तो चंगेज खान कहाँ से थे? मंगोलिया से थे। तो एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 किसने होस्ट किया है? तो उसका सही का आंसर क्या होगा? इंडिया, श्रीलंका, मंगोलिया, इसराइल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो होगा। अब कमेंट सेक्शन में बताइए मंगोलिया का कैपिटल क्या है। ठीक है, एक हिंट दे देता हूँ, ये सबसे कोल्डेस्ट कैपिटल सिटी है वर्ल्ड की। ठीक है, मंगोलिया का कैपिटल आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। तो एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 इज अ मल्टीलैटरल पीस कीपिंग जॉइंट एक्सरसाइज दैट इज करेंटली बीइंग हेल्ड इन द मंगोलिया। इट इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ मिलिट्री कंटिजेंट्स एंड ऑब्जर्वर्स फ्रॉम अराउंड 20 कंट्रीज पार्टिसिपेट किए हैं। प्रेसिडेंट ऑफ मंगोलिया इनॉग्रेटेड द एक्सरसाइज विच इज को स्पॉन्सर्ड बाई मंगोलियन आर्म फोर्सेज एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी पैसिफिक कमांड्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है, और इंडिया का एक्सरसाइज बायलैटरल एक्सरसाइज भी होता है विद मंगोलिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ निक्सी व्हिच सेलिब्रेटेड इट्स 20th फाउंडेशन डे रिसेंटली? तो इसका क्या होगा? नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नेशनल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ऑफ
इंडिया, नेशनल आईओएस एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नेशनल इंटरैक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी सेलिब्रेटेड इट्स 20th फाउंडेशन डे ऑन 19 जून दिस ईयर। निक्सी हैज बीन रिमार्केबल एफर्ट इन एस्टैब्लिशिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड ऑल एनकम्पासिंग डिजिटल एनवायरनमेंट इन द नेशन। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थ्रू इट्स वेरियस बिजनेस डिविजन्स व्हिच इंक्लूड इंटरनेट एक्सचेंज, .in रजिस्ट्री, IRIN, निक्सी CS डेटा सर्विसेज लिमिटेड। तो ऐसे बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारे डिजिटल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है और डिजिटल इंडिया को बहुत ज्यादा प्रोमोट करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च दक्षता फॉर यंग प्रोफेशनल? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन। और ये किसके अंडर आता है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंदर आता है। तो द आई गॉट कर्म योगी प्लेटफॉर्म हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ कंपाइलेशन कॉल्ड दक्षता। दक्षता स्टैंड्स फॉर क्या, डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, नॉलेज, स्किल फॉर होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है, उनके लिए ये प्रोग्राम है फॉर यंग प्रोफेशनल्स। इट्स प्राइमरी गोल इज टू एनहेंस द लर्नर्स फंक्शनल, डोमेन स्पेसिफिक एंड बिहेवियरल एबिलिटीज बाई प्रोवाइडिंग एसेंशियल नॉलेज ऑन सब्जेक्ट्स दैट आर वाइटल फॉर इफेक्टिवली फुलफिलिंग देयर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आसान भाषा में बताया जाए तो यंग प्रोफेशनल जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, उनका उनको इस तरह से ट्रेन किया जाए, जितने भी पब्लिक ग्रीवियंसेस होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको अच्छे तरह से रिड्रेस कर सके और कम समय में इफेक्टिव वे में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो ये प्रोग्राम उसी लिए है, दक्षता प्रोग्राम। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। विच इंस्टीट्यूशन अडॉप्टेड द इंटरनेशनल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट द हाई सीज? ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, UN, नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट हाई सीज। हाई सीज वो सी जोन होते हैं जो किसी भी कोस्टलाइन से, किसी भी कंट्री के कोस्टलाइन से ऑलमोस्ट 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स, जिसको इंटरनेशनल वाटर बोला जाता है या हाई सीज बोला जाता है। तो मोर देन 200 नॉटिकल माइल्स कोई भी कोस्टल एरिया से है, उसको हम लोग हाई सी कहा जाता है। ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा। द वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट द हाई सी वॉज अडॉप्टेड बाई द UN ऑन जून 19। इट विल हेल्प प्रोटेक्ट रिमोट इकोसिस्टम दैट आर क्रिटिकल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमैनिटीज। क्योंकि ऐसे हाई सीज में बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल गैस के रिजर्व्स या और भी बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं या बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है जो कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकता है। द ट्रीटी इज नोन एज द ट्रीटी ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जूरिस्डिक्शन, बिकॉज यहाँ पर किसी एक स्पेसिफिक नेशन का पर्टिकुलरली जुरिस्डिक्शन नहीं होता। जैसे कि ओशियंस हो गया, जितने भी ओशियंस है उसमें हर कंट्री का कुछ ना कुछ उसमें स्टेक होता है ऑब्वियसली। ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस रिक्वायरमेंट टू कैरी आउट इंटरनेशनल इम्पैक्ट स्टडी, सॉरी, टू कैरी आउट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडीज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, EIA, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट फॉर प्रपोज्ड एक्टिविटीज टू बी कैरिड आउट इन द इंटरनेशनल वाटर। तो कोई भी हम लोग अगर फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री या कुछ भी बनाते हैं, उससे पहले हम लोग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्लियरेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एनवायरमेंटली फ्रेंडली होगा तभी जाके वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट या इंडस्ट्रीज या कुछ भी फैक्ट्री बनता है। सिमिलरली जो ये इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ टू प्रोटेक्ट द हाई सीज है, इसमें भी कहा गया है कि EIA पहले होगा, उसके बाद ही कुछ भी रिसर्च या खोजबीन हो सकता है इन द हाई सीज। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लांट व्हिच ग्रोज ऑन अनादर प्लांट और ट्री, ड्रॉइंग मॉइस्चर एंड मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट? ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, पैरासाइट, एपीफाइट, फोरोफाइट एंड फोटोफाइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एपीफाइट।
एपीफाइट्स ग्रोज ऑन अनादर प्लांट और ट्री मियरली फॉर फिजिकल सपोर्ट, ड्रॉइंग मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एयर, रेन वाटर और फ्रॉम डेब्रिस एक्यूमुलेटिंग अराउंड द ट्री। ठीक है, तो वैसे को हम लोग कहते हैं एपीफाइट्स। तो मोस्ट ऑफ द एपीफाइट जो होते हैं वो ऑर्किड्स होते हैं। ठीक है, द सर्वाइवल ऑफ द एपीफाइटिक ऑर्किड्स इन द डुआर्स एंड द दार्जिलिंग हिल्स आर थ्रेटन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो डुआर्स क्या होता है, तो वो जो हिमालयन रीजन है, जो पूरा हमारा हिमालयन रीजन है, डुआर्स कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में, जो दार्जिलिंग हिल्स वाला एरिया है, वेस्ट बंगाल में भी पड़ता है, अलीपुर द्वार, वो सब क्या है, वो हिल से जस्ट नीचे वाला एरिया जो होता है, तो वेस्ट ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में उसको हम लोग द्वार कहते हैं। जो सेंट्रल पार्ट है, बिहार यूपी वाला रीजन है, हम उसमें क्या कहते हैं, उसको हम लोग तराई रीजन कहा जाता है, और जो पंजाब हिमालयाज वाला है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चोज बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ऑब्वियसली ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो द्वार्स होता है वेस्टर्न पार्ट में, असम हिमालयाज में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन फॉर प्लांट, प्लांट की पॉपुलेशन जो है डिग्रेड हो रही है, डिप्लीट होते जा रही है, तो साथ ही साथ में जो उस पे जो डिपेंडेंट प्लांट स्पीसीज होते, एपीफाइटिक ऑर्किड्स होते, उनकी भी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। दे आर नोन फॉर देयर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, और जितने भी एपीफाइटिक ऑर्किड्स हैं वो बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि उससे बहुत सारे मेडिसिन बनती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। व्हाट इज हु इज द हेड ऑफ द पैनल सेटअप टू रिकमेंड रिफॉर्मेशन इन आर्बिट्रेशन लॉ? टी के विश्वनाथन, अर्जुन राम मेघवाल, किरण रिजिजू और अनुराग ठाकुर। तो इसका सही आंसर होगा टी के विश्वनाथन, सही आंसर हो जाएगा। द गवर्नमेंट हैज फॉर्मड एन एक्सपर्ट पैनल हेडेड बाई द फॉर्मर लॉ सेक्रेटरी। तो कौन थे फॉर्मर लॉ सेक्रेटरी है, टी के विश्वनाथन, टू एस्टैब्लिश इंडिया एज अ ग्लोबल सेंटर फॉर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड एलिविएट द स्ट्रेन ऑन द कोर्ट्स। ठीक है, ताकि इंडिया को एक ग्लोबल सेंटर बनाया जा सके, अगर इंटरनेशनल कोई भी प्रॉब्लम्स हो इन रिलेटेड टू लॉ। द पैनल विल प्रपोज रिफॉर्म्स टू आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट, एंड द कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ अटॉर्नी जनरल कौन है, तो एन वेंकट रमानी, हैज बीन एस्टैब्लिश बाय द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स ऑफ द यूनियन लॉ मिनिस्ट्री। ठीक है, तो इस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टी के विश्वनाथन। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। कॉमन एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स व्हिच वर सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद व्हिच फील्ड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, एमएसएमई, पॉलिटिक्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिफेंस। इंडिया डिफेंस एंड सिक्योरिटी अथॉरिटीज हैव रिसेंटली मेड द डिसीजन टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स फॉर सीनियर ऑफिशियल्स अक्रॉस ऑल ब्रांचेस ऑफ द आर्म फोर्स। तो जितने भी ब्रांचेस हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों के लिए यूनिफॉर्म एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स होगी। द डिसीजन अलाइंस क्लोजली विद द गवर्नमेंट स्ट्रेटजी फॉर थिएटराइजेशन प्रोसेस विच सीक टू फॉस्टर ग्रेटर कोलेबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द थ्री ब्रांचेस ऑफ द मिलिट्री। पहले क्या होता था कि अलग अलग, एयरफोर्स का अलग होता था, नेवी का अलग होता था, तो अब क्या कर दिया गया, तीनों को, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को कंबाइन कर दिएगा कि सबका सब कुछ ऑलमोस्ट सेम होगा, ताकि जो पैसा हो या फिर डुप्लीकेशन ऑफ जो डेटाज होता है वो ना हो जाए। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को क्या कहा जाता है, थिएटराइजेशन। इसमें क्या होता है कि जितने भी अलग अलग फोर्सेस है वो सब इकट्ठा काम करते हैं, कोलैबोरेट करके काम करते हैं, उसमें नॉलेज शेयर होता है, तो ये बहुत ज्यादा बेटर टेक्निक है थिएटराइजेशन, जैसे हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं एकता में बल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे मिलिट्री के जो भी कमांड्स है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तो तीनों एकजुट होकर काम करेंगे। थिएटराइजेशन का मतलब एक ही है, पहले क्या होता था सब अलग अलग काम करते थे, सब अलग अलग ऑर्डर देते थे, अगर कुछ किसी को पार्ट बनाना हो या शिप बनाना हो एयरफोर्स का, तो सब अलग अलग करते थे, अब हम लोग तीनों को इकट्ठा लेकर काम करेंगे, इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स को लेकर। तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। विच पर्सनैलिटी और इंस्टीट्यूशन वॉज ग्रांटेड द गांधी पीस प्राइज 2021? गीता प्रेस, टाटा फाउंडेशन, कैलाश सत्यार्थी, मेधा पाटकर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गीता प्रेस।
गीता प्रेस कहाँ सिचुएटेड है? द गोरखपुर. रिसेंटली रिसीव्ड द गांधी पीस प्राइज 2021. इट इज द लार्जेस्ट पब्लिशर ऑफ हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट. तो सबसे बड़ा पब्लिशर है हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट का कौन है? तो गीता प्रेस गोरखपुर में है. गांधी पीस प्राइज इज एनुअल अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1995. ठीक है. ऑन 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी एज अ ट्रिब्यूट टू द आइडियल्स एडवोकेटेड बाय द महात्मा गांधी के उपलक्ष्य में, मतलब उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे रखी गई थी. इन 1995 से शुरुआत हुई है. इट इज ओपन टू ऑल पर्संस रिगार्डलेस ऑफ नेशनलिटी. मतलब इंडिया के बाहर के लोगों को भी मिलता है. रेस, लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड और जेंडर. ठीक है. तो इस बार 2021 किसको मिला है? तो गीता प्रेस को मिला है. क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं. विच इंस्टीट्यूशन इशूड गाइडलाइंस ऑन प्रोडक्ट ऑफरिंग्स बाय ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स? आरबीआई, सेबी, एनपीसीआई, आईआरडीएआई. इंश्योरेंस रेगुलेटरी, वो अथॉरिटी ऑफ इंडिया है. तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड. द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज इम्पोस्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स प्रोहिबिटिंग देम फ्रॉम ऑफरिंग प्रोडक्ट्स अदर देन लिस्टेड डेब्ट सिक्योरिटीज. ठीक है. हाउएवर, सेबी हैज अलाउड दिस प्लेटफॉर्म्स टू ऑफर स्पेसिफिक सिक्योरिटी सच एज, स्पेसिफिक सिक्योरिटी कौन से? जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जीसेक जिसको कहते हैं, या ट्रेजरी बिल्स हो गया, या लिस्टेड गवर्नमेंट जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होती है, लिस्टेड म्यूनिसिपल डेब्ट सिक्योरिटीज, या लिस्टेड सिक्योरिटाइज्ड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट. तो ये सब के लिए अलाउड है. बट बाकी जो है, रेस्ट्रिक्शन ऑन ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स, इस पे रोक लगा दी गई है. ठीक है. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेबी. क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं. विच कंपनी लॉन्च्ड द इंडियन लैंग्वेजेस प्रोग्राम टू एड स्मॉल न्यूज पब्लिशर? ठीक है. स्मॉल न्यूज पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, सैमसंग. तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी. तो इस ऐसे मामले में गूगल, गूगल के बाद माइक्रोसॉफ्ट, ये दोनों हमेशा से आगे में रहते हैं. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी. द गूगल इंट्रोड्यूस द इंडियन लैंग्वेजेस प्रोग्राम विथ गोल क्या है? ऑफ ऑफरिंग ट्रेनिंग, असिस्टेंस एंड फाइनेंशियल एड टू स्मॉल न्यूज पब्लिशर इन इंडिया. तो जो छोटे छोटे न्यूज चैनल है, स्मॉल न्यूज, जो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा. तो जो बिकाऊ मीडिया है, जो नेशनल टेलीविजन में हम लोग देखते आ रहे हैं, जो किसी ना किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, तो एक अनबायस्ड मीडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? तो गूगल सपोर्ट कर रहा है, ताकि जो नए स्मॉल जो न्यूज पब्लिशर है उनको प्रोमोट किया जाए. इन इंडिया हु वर्क इन 8 लोकल लैंग्वेजेस अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश. तो इंग्लिश के अपार्ट में कौन सा है? द इंडियन लैंग्वेज प्रोग्राम सीक्स टू सपोर्ट न्यूज पब्लिशर इन इंग्लिश, तो है ही, फिर हिंदी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मलयालम, गुजराती, मराठी, थ्रू ट्रेनिंग, टेक्निकल सपोर्ट एंड फंडिंग. ठीक है. तो फंडिंग भी प्रोवाइड करेगा गूगल. तो जितने भी हमारे शेड्यूल 8 में जितने भी लैंग्वेजेस है, वो तो है ही, प्रेजेंट है, और धीरे धीरे इसको और भी लैंग्वेजेस में बढ़ाया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं. व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी? तो ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, कंट्रोवर्सी में भी था. इंडियन मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, स्वतंत्रता मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, भारत मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी. ड्यूरिंग अ स्पेशल मीटिंग ऑफ द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, डिसीजन वॉज टू मेड मॉडिफाई इट्स नेम टू, नाम चेंज किया जा रहा है, द प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी. द मीटिंग वॉज चेंज चेयर्ड बाई राजनाथ सिंह, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर है और वाइस प्रेसिडेंट है इस सोसाइटी के. ठीक है. लाइब्रेरी सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट भी है और ऑब्वियसली डिफेंस मिनिस्टर तो है. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं. विच यूनियन मिनिस्ट्री अनवील्ड द दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप? ठीक है. तो इसका सही आंसर क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी. तो ये बहुत अनयूजुअल लगेगा, दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप. ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है मिल्क से रिलेटेड है.
द दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप वॉज लॉन्च रिसेंटली बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। कौन है? डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे इन मसूरी उत्तराखंड। तो मसूरी उत्तराखंड में लॉन्च की गई है। दिस ऐप वॉज डेवलप्ड बाई राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है उसके कोलेबोरेशन में। मिनी रत्न जो राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड है, एक मिनी रत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये हेवी इंडस्ट्री के अंडर काम करती है। दिस मोबाइल ऐप, दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप क्या करेगा, इसका काम क्या है? इट विल एम टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मिल्क, फॉस्टर ट्रांसपेरेंसी अमंग स्टेक होल्डर, स्ट्रीमलाइनिंग ऑपरेशन एट द ग्रास रूट विलेज लेवल, इंक्लूडिंग मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड कमीशन द 1 मेगावाट रूफ टॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट इन विच सिटी? चेन्नई, गांधीनगर, जोधपुर, पंजिम। तो इसका सही आंसर क्या है? जोधपुर। ठीक है, तो द 1 मेगावाट रूफ टॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट वॉज कमीशन रिसेंटली बाय द एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड एट आईआईटी जोधपुर। ठीक है, तो ये राजस्थान जोधपुर में हुआ था। दिस प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू मीट 15% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। मतलब 15% जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट होगी जोधपुर की, वो इससे भरपूर हो जाएगी। द एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड इज होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ, किसके अंडर आती है? एनटीपीसी का आती है। द रूफ टॉप प्रोजेक्ट्स विल जनरेट अराउंड 14.9 लाख यूनिट पर एनम। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। विच स्टेट रीअपील्ड द प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2022 नोन एज द एंटी कन्वर्सन लॉ? तो कौन सा स्टेट है वो रीअपील कर लिया, वापस ले लिया? केरला, कर्नाटक, असम, उत्तराखंड। तो असम उत्तराखंड में तो ऐसा है, कर्नाटक में भी ऐसा था, तो कर्नाटक में ही रिपील किया गया है। क्योंकि कर्नाटक में क्या हो गया, पहले बीजेपी का गवर्नमेंट था, आफ्टर इलेक्शन स्टेट इलेक्शंस कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई है, तो उसने रीअपील कर लिया है। द कांग्रेस गवर्नमेंट इन कर्नाटका हैज अनाउंस द रिपील ऑफ द स्टेट्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2022, जिसको पॉपुलरली कहा जाता है एंटी कन्वर्सन लॉ। ठीक है, तो ये माइनॉरिटीज के साथ में बहुत नाइंसाफी हो रही थी, इस कांग्रेस गवर्नमेंट का कहना है। द स्टेट कैबिनेट हैज आल्सो डिसाइडेड टू रिवर्स द चेंजेस मेड टू कनाडा एंड सोशल स्टडीज टेक्स्ट बुक लास्ट ईयर। ठीक है, तो फिर जो चेंजेस किए थे बीजेपी गवर्नमेंट ने, चेंजेस किए थे वो सब कुछ चेंज हटा दिया गया है, इंक्लूडिंग लेसन्स ऑफ हिंदुत्व आइडियोलॉजी आइडियोलॉग्स। तो जो बीजेपी गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स इंक्लूड किए थे जो टेक्स्ट बुक्स थी स्टेट बोर्ड्स की, तो उसको भी हटा दिया गया है बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस रेस्पेक्ट में था ये। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाइएस्ट विंड कैपेसिटी एडिशन ड्यूरिंग 2022-23? तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं उसमें विंड कैपेसिटी मतलब विंड एनर्जी तो जनरेट की ही जाती है, साथ ही साथ में इसका सही आंसर क्या है? राजस्थान। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज्वाइंट द वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेशन ऑफ 15 जून एज द ग्लोबल विंड डे। तो 15 जून, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 15 जून को हम लोग मनाते हैं ग्लोबल विंड डे। राजस्थान वाज फेलिसिटेटेड फॉर अचीविंग द हाईएस्ट विंड कैपेसिटी एडिशन। तो एक साल के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट विंड कैपेसिटी गेन किया है राजस्थान। गुजरात फॉर अचीविंग द हाईएस्ट विंड कैपेसिटी एडिशन थ्रू ओपन एक्सेस थ्री। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ओपन एक्सेस पूछा जाए तो वो गुजरात होगा। फिर तमिलनाडु फॉर इनिशिएटिंग रीपावरिंग ऑफ विंड टर्बाइन्स, और तमिलनाडु को मिला है फॉर इनिशिएटिंग रीपावरिंग ऑफ विंड टर्बाइन्स। द इवेंट आल्सो विटनेस द लॉन्च ऑफ विंड एटलास एट 150 मीटर्स अबव द ग्राउंड लेवल प्रिपेयर्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी। ठीक है, तो ये विंड एटलास भी प्रिपेयर किया था, कौन किया था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने समझने मिला होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस, लगभग मैंने 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, और ये
जो भी क्वेश्चंस हैं ये हर एग्जाम से, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए इस नए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अगर अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट संडे को एक नया वीडियो आएगा वीकली करंट अफेयर्स के सीरीज में। तो टिल देन बाय बाय, जय हिंद।